इस मंच पे, तो मुझे कुछ अच्छा करना है और आपकी आवाज बन के मैं जगह बैठना चाहता हूँ कि आपकी आवाज मैं पहुंचाऊं। जो नगर सेवक आपका हक खा जाते हैं, जो आपके लिए कोई काम नहीं करता, वो मैं करना चाहता हूँ। अब आप मेरे लिए थर्ड अंपायर हो, अगर मैं सही हूँ तो आप मेरा साथ दो, अगर गलत हूँ तो मुझे आउट करा दो। राइट दिया है कि हम जो रिलीजन हम चाहे हम उसको फॉलो कर सकते हैं,
तो कोई और सरकार कौन होती है जो हमारे इस राइट को जो है वो वायलेट करे। अपनी बेटियों को अपने लोगों को आगे करो, पढ़ाई से लेकर शादी के बाद कोई प्लीज ये मत सोचिएगा कि भाई पाबंदी लग जाती है नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, मैं भी करूँगा, ठीक है। तो पढ़ाई भी अपनी जगह जारी रखिए, जितना हो सके पर्सनल लेवल पे आप आगे। मैं ये बोलती हूँ जैसे हम लोग कॉर्पोरेटर है या कोई MLA, तो हमको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों का काम करने के लिए, वो पर्सनल लेवल पे नहीं मिल पाती। इसलिए मैं बोलती हूँ वसीम शेख जैसे लोगों को आप सराहिए, आप ऐसे लोगों को आगे लाइए जो अपने बीच के हैं, जो अपने बीच की प्रॉब्लम को समझते हैं, और यही लोग हैं जो सभा में जाके आपके लिए आवाज उठाएंगे। तो मैं ये बोलूंगी कि आप जो है वसीम भाई के जो है वो पूरे तरीके से समर्थन कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए। और मैं जो आपके बीच में आया हूँ इस मंच पे, तो मुझे कुछ अच्छा करना है और आपकी आवाज बन के मैं उस जगह बैठना चाहता हूँ कि आपकी आवाज मैं पहुंचाऊं। जो नगर सेवक आपका हक खा जाते हैं, जो आपके लिए कोई काम नहीं करता, वो मैं करना चाहता हूँ। अब आप मेरे लिए थर्ड अंपायर हो, अगर मैं सही हूँ तो आप मेरा साथ दो, अगर गलत हूँ तो मुझे आउट करा दो। बाकी आप देखे तो बहुत से लोग लड़ने के लिए सब पैसा भी देंगे, तुमको ढाबे पे भी ले जाएंगे, वो 10 दिन तुम्हें याद रखेंगे, उसके बाद जब तुमको सलाम करेंगे आप उनको, तो ऐसे दूर से याद देंगे कि बस तुम्हारा काम हो गया, तो तुम्हारा काम खत्म नहीं होता है। अगर मैं आता हूँ या मैं तुम्हारी ताकत बनता हूँ, तो उस अल्लाह की वजह से मैं आपका कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं आपके लिए खड़ी लड़ूं, जब मैं बिना कुछ कोई पोस्ट पे नहीं हूँ आपके लिए लड़ता हूँ, तो मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। बस मेरी यही गुजारिश है आप किसी पल्टी के सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो दादाओं का दादा बन जाएंगे, और किसी पल्टी में से जब बाहर आएंगे तो पहला कदम जब नीचे बढ़ेगा तो गरीबों में सबसे गरीब बन जाएंगे, वहाँ हमको दादा बनना हमने सोचा। तो फिर हमने काम शुरू किया, काम शुरू किया तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ पे जो भी हमारे तो सब काम थे, कच्ची नदी थी, हर जगह रोड नहीं था, कोई गटर नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई नहीं, कुछ नहीं था, बना खाली झोपड़े मिले थे हमको, और रकबा बहुत बड़ा था, तालाब इस बात में था भाई। तो हमने अपने दिमाग में नक्शा बना लिया क्या क्या चीजें लगने वाली है हमारी, हमने उस पर मेहनत की। और सुनवाई नगर तालाब से काम शुरू किया, पाइप लाइन तक स्टार्ट कर दिया, पाइप लाइन तक हमने सारे जरूरत के काम करके दिया आवाज को, और मुस्लिम लीग में रह के ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग की कुछ बरकत है हमारे साथ, और अल्लाह ने हमारा सब काम आसान किया। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी थे, बोले तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है तुम काम नहीं कर रहे हो, देखे आकर देखे बड़ा खुश हुए। फिर इन्होंने लेटर दिया किसी पंडित जी को, साठ वार्ड में सबसे ज़्यादा किस वार्ड में मुंशी पंडित ने खर्चा किया, तो इनको जवाब मिला वार्ड नंबर 11 जो है उसने ज़्यादा खर्चा हुआ, ज़्यादा काम हुआ, वो अपना वार्ड नंबर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग पार्टी से जो चुन के आएगा तो उसके अंदर अवामी हमदर्दी होगी, और पार्टियों के जो चुन के आते हैं उनसे ज़्यादा अवामी हमदर्दी इसके पास रहेंगे, और ये आवाम का बढ़ चढ़ के काम करेंगे, और आवाम भी बचपन नहीं रहेगी। और रही बात ये कि हमारा मसला जो आप अगर उसको कहते कि पहली बार के बाद हारे क्या, हम हार गए क्यों, रोड बनाए
दूध वगैरह बनना है, बागजी बनाए आपको, झोपड़े थोड़े थोड़े झोपड़े थोड़े थोड़े झोपड़े लोगों के बनाया, थोड़ा थोड़ा झोपड़ा छोटा